Hi there guys, today I'm going to tell you how to make a beauty and spa salon website by using Elementor with template kit in WordPress. So let's move forward. First of all, we have to install some basic plugins. तो उसके प्लगइन्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. इन्वाटो एलिमेंट्स के नाम से एक प्लगइन है जो कि हमें यूज़ करना है टेम्पलेट किट के लिए. ठीक है जी, तो ऐड न्यू हो गए प्लगइन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है, एक्टिवेट करना है. मैं फिर भी आपको यहाँ सर्च करके दिखा देता हूँ. ये इंस्टॉल्ड हुआ है, एक्टिवेट करते हैं प्लगइन को. टेम्पलेट किट इम्पोर्ट से भी हो सकता है, लेकिन मेरा इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ. इससे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका यूआई थोड़ा अच्छा है, प्रॉपर है, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ. टेम्पलेट आपका आ गया, ये टेम्पलेट एक्सपोर्ट भी है, टेम्पलेट इम्पोर्ट भी. आप एक्सपोर्ट भी करके अपना बना सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर. तो प्लगइन मैंने एक्टिवेट कर लिया है, दोनों प्लगइन इन्होंने दिए हैं, ठीक है. तो अब मैं आता हूँ उसके आगे, इन्वर्टो एलिमेंट्स में आ गया प्लगइन हमने. और इसके लिए हमारे पास जब भी कोई टेम्पलेट किट हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए इन्वर्टो एलिमेंट का प्लगइन होना चाहिए और एलिमेंटर प्रो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी. तो ये कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई है इस पर ऑलरेडी डिटेल में, तो ये आप देख सकते हैं. अगर ज़्यादा वजाहत से आपको देखनी हो, पार्ट 3, पार्ट 2, और ये इसमें पार्ट 1 है, ये रहा, ठीक है. आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, टॉप पे ही आ रही होंगी वीडियोज़ कुछ ये, या आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वीडियोज़ में चले जाएँ डायरेक्ट. 3-4 महीने पहले अपलोड करिए, पार्ट 3 है या पार्ट 2 है, ये वाली डिटेल में पहली वाली जो काफ़ी, इसको देख सकते हैं आप लोग, तो आइडिया हो जाएगा किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है, कोई इशू आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है जी. तो आगे बढ़ते हैं हम. प्लगइन मैंने इंस्टॉल्ड किए हुए एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, और आपको क्या रखना है, टेम्पलेट किट के प्लगइन रखना है, ठीक है जी, जो कि मैंने ओ एनवाटो एलिमेंट्स का. तो मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ. इंस्टॉल्ड किट्स पे आया मैं, ठीक है जी. इंस्टॉल्ड किट पे आगे मैं, पर कोई किट नहीं है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने ये जो मैं किट डाउनलोड हुई है, अगर तो इस किट के अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कोई एरर नहीं आना चाहिए. आया है तो वो फिर हम देखते हैं इसको, उसके अंदर ज़्यादा स्पेसिंग का एरर आता है तो वो उसके लिए आप, तो या एक मिनट ये पहले हम कर दें फिर आपको बताओ. अच्छा, अगर कुछ जेसन का एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है, या तो टेम्पलेट किट के अंदर इशू है, या फिर आप इसकी स्पेसिंग का इशू है, अपलोड लिमिट का, या PHP मेमोरी लिमिट का, तो वो आपको इंक्रीज़ करनी होगी. WP कॉन्फिग से भी हो सकती है, HGX से भी होती है, और सी पैनल से भी होती है, ठीक है जी. ये वहाँ पे अपलोड हो रही है अभी, ठीक है जी, ये अपलोड हो गई है. अब अपलोड होने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ रिक्वायरमेंट है इसके प्लगइन्स, ये आपके इंस्टॉल्ड होना चाहिए या प्रिफर सेटिंग्स होनी चाहिए. तो मैंने इंस्टॉल्ड पे क्लिक किया ताकि डेमो इंपोर्ट करने से पहले हम अपनी चीज़ें प्रॉपर कर लें. अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए इसमें से पहले, सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पे होम का है, पहले तो होम ढूंढते हैं भाई. होम, ठीक है जी, होम ये आ गया हमारे पास. होम सलून, इसका डेमो भी देख लेते हैं. डेमो देख के आपको आइडिया हो जाएगा क्या ऑप्शंस हैं इसमें हमारे पास. पेजेस पे आया, एक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें होम सलून का, ठीक है जी, जो एक्टिव हुआ है, होम प्रोडक्ट्स है, ठीक है. तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, मैं इसको एक्टिव करता हूँ. सॉरी, होम सलून है ना, तो होम सलून के ऊपर हम अगर इसको ऐसे देखते हैं, यही वाला है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं जो मैंने डेमो इंपोर्ट किया है. हाँ, यही वाला ही लग रहा है मुझे तो भाई. तो इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं ये वाला हम, ठीक है जी. इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और सर्विसेज वाला भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है जी. प्रोडक्ट्स वाला भी कर लेंगे, इसमें कॉन्टेक्ट अस का भी कर लेते हैं. फ्लिपकार्ट बॉक्सेस, सही, स्पेशल ऑफर्स, ये पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, जो आप एज अ ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, एज अ पेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है जी. तो इसमें हम से इम्पोर्ट कर लेते हैं सारे पे, जहाँ जहाँ जो यूज़ करना होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है जी. जो जो मैं जिनकी नीड है वो मैं कर लेता हूँ, ताकि पेज में अलग से मुझे सेक्शंस में ब्लॉग्स ऐड नहीं करने पड़े, ठीक है जी. कुछ पेजेस हैं इसके अंदर, कुछ ब्लॉग्स का काम है,
ये प्री मेड ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं, हेडर फुटर सब इसमें पहले से बना हुआ होता है, और इसको हम यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं एनिमेशन डाल के इसके अंदर। टेम्पलेट किट में थोड़ा प्रीमियम थीम के मुकाबले में कम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन थोड़ी सी लाइट वेट होती है, तो इजीली आप इसमें एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया है, इसमें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है आपके पास टेम्पलेट किट में, जो आपको थीम रखनी है वो एनवायरनमेंट एलिमेंट्स ही रखनी है। नॉर्मली तो एनवायरनमेंट एलिमेंट्स ही रखते हैं कि एलिमेंटर की थीम है, एलिमेंटर की टेम्पलेट किट है हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं एलिमेंटर की ऑप्शंस ही, यानी कि एलिमेंटर की थीम यूज़ करेंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया है। अब मैं आता हूँ अपने हेडर फुटर की तरफ। सही है जी, हेडर फुटर में कहाँ पे आएंगे हम, हेडर फुटर में थीम बिल्डर में गए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड होगा तो आपके पास ये क्या कहते हैं, और इसमें एरर्स नहीं आएंगे। ये एरर कहाँ दिखा रहा है, ये वार्निंग का एरर दिखा रहा है प्लगइन एलिमेंटर प्रो मॉड्यूल के, इसमें डिबगर ऑन हुआ है इस वजह से ये पंगे दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमेंटर। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, मैं गया बैक करता हूँ, तो पहले तो उस एरर को देखते हैं कि ये डिबगर कॉन्फिक इसमें अभी अब नहीं जा रहे, कॉन्फिक के अंदर नहीं पड़ रहे, इसमें वार्निंग्स आ रही हैं। ये प्लगइन डिबगर का हमने ऑन किया था, इसको हटा देते हैं, प्लगइन यूज़ कर रहे थे हम उसके लिए। अच्छा भाई, वो तो डिलीट हो गया था। ठीक है, फाइल ठीक है, सही है। अभी गए इन्वर्टो के, इसमें हमने यहाँ पे डेमो देखा, डेमो के अंदर इस तरह आ रहा है लोगो, तो हमारे पास कौन सा वाला आया है, लोगो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना। ठीक है, लोगो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, बुक नाउ इधर आ रहा है, तो हम गए ये वाला एडिट कंडीशन। सही है, ठीक है जी, इसको सेफ क्लोज कराया हमने, ये वाला एक्टिव करा हमने, और अब वेबसाइट पे देखते हैं कि ये वाला एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है जी, ये वाला एक्टिव हो गया हमारे पास, इसमें से फुटर भी उठा लिया है, और हेलो एलिमेंटर की थीम एक्टिव कर लेते हैं कि एक्टिव है कि नहीं है वो। हेलो एलिमेंटर की थीम भी एक्टिव हुई भी हमारे पास। ठीक है जी, मेन्यू हम क्रिएट कर लेते हैं, पेजेस के अंदर आए, ऐड मेन्यूज पे आए। थीम सेटिंग्स पे आए, हेलो एलिमेंटर की थीम सेटिंग है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है जी। लोगो का ऑप्शन कहाँ है इसके अंदर, ये देखते हैं, यानी कि उसको एडिट करा हमने। एडिट करने के बाद यहाँ पे लोगो जो है वो नहीं आया इसमें, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, लोगो डाउनलोड कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे लोगो डाउनलोड कर लिया हमने। डेमो के मैंने इंपोर्ट किया है इसमें, अब प्रॉपर से चीज़ें नहीं आई, उसको सेट कर रहे हैं हम। ठीक है जी, हेडर कहाँ गया हमारे पास, ये रहा हेडर, मैंने यहाँ पे इसका लोगो ऐड किया। ठीक है जी, इसको अपडेट कर दिया, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। सही है, इसको बंद किया हमने। मेन मेन्यू कौन सा आ रहा है अभी भाई, मेन मेन्यू एड्रेस आया है, हमने हटाया ये मेन्यू।
ठीक है। और मेन मेन्यू सेलेक्ट करा और इसको ऐड किया। अब रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे पेज कौन सा सेलेक्ट हुआ ये भी देख लेते हैं भाई। होम लिखा यहाँ पे हमने, होम तो इसमें से पहले से बहुत सारे उठा रहा है, तो हम देखते हैं ये पहले से डमी डाटा पड़ा हुआ है या हमें अपना यूज़ करना पड़ेगा दूसरा, इनको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ ये पहले से डाटा पड़ा हुआ है, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, तो मैंने ये सारे पेजेस रिमूव करता हूँ। ठीक है जी, और इसको डिलीट करते हैं हम। सही है, और इसके अंदर ये भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक पेज न्यू होम सलून के नाम से, सही। इसको पब्लिश मारता हूँ, क्या हुआ? अच्छा पब्लिश करा आपने, और रीडिंग में जाके होम पेज ये रिफ्रेश करा ताकि वो पेज सेलेक्ट कर लें, होम वाला जो हमने रखा है अभी। ठीक है जी, होम ये रहा होम। ठीक है, इसको सेव कर दिया। एलिमेंटर पे गए, रीडिंग में आके होम चेंज कर दिया, फालतू हम डिलीट कर दे, अभी बचे हैं वो भी डिलीट कर देंगे हम फिलहाल जो फालतू हैं पुराने पड़े हुए हैं। अगर आपने डेटाबेस क्लियर नहीं किया है तो ये सारे मसले आते हैं भाई। तो टेम्पलेट में गए, इसमें व्यू इंस्टॉल किट देखी हमने, और व्यू के बाद यहाँ हम होम पे आएंगे। होम लिखा हमने यहाँ पे, इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे भी आगे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे हमने से इंपोर्ट किया था ना यहाँ पे इस पेज पे। यहाँ पे एक बार करने के बाद मतलब ये आ गए सारे शो होगा टेम्पलेट, फिर आप यहाँ आगे डायरेक्ट आगे पेज पे इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मिस्टेक हो गई, मैंने पहले भी करी थी ये गलती। तो डायरेक्ट अब एक बार हो जाए ना, फिर डायरेक्ट आगे पेज क्रिएट करें, एलिमेंटर के अंदर आगे यहाँ पे टेम्पलेट इम्पोर्ट कर दें तो मसला हल हो जाएगा। ये मेरा पेज इम्पोर्ट होने वाला है होम पेज। होम पेज 89%, 93, और ये हमारा 96 पे है अभी। ठीक है जी, यहाँ पे आया मैं इधर, और इधर आके मैंने ये हाइट पेज टाइटल करा। ठीक है, और बस फिलहाल तो अभी यही है। ये जो विड्थ है इसकी वो हम फुल करते हैं पीछे से आके। होम लिखा हमने, होम में आके ये वाला भी डिलीट कर दिया। ठीक है जी, डिफॉल्ट हमने ये फुल वेट रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस पेज को व्यू करते हैं। तो ये देखिए भाई, बेहतरीन हो गया। अभी पेज टाइटल यहाँ से हाइड करेंगे तो ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो टेम्पलेट यहाँ से ही मैं पेज लेआउट चेंज कर सकता था, तो बाद में याद आया मुझे, डायरेक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पे पेज क्विक एडिट करें या एडिट पेज करके करें या यहाँ से करें, एक ही बात है। ये देखिए पूरा होम पेज ऑलमोस्ट आ गया है, इसमें हेडर फुटर को हम देख रहे हैं, दोबारा से इसको सेट करते हैं। अच्छा जी, अब हम मैच करते हैं इसको, कितने परसेंट आया भाई ये। तो
हेडर अभी देखते हैं, हेडर को एंड में थोड़ा सा स्विच मेन्यू वेन्यू चेंज करेंगे। पहला सेक्शन हो गया, ये दूसरा है, इसमें इमेज चेंज लग रही है, ठीक है जी। ये तीसरा सेक्शन है, इसमें ये वही है, ठीक है। एनिमेशन भी हैं थोड़े बहुत इसमें, अच्छी बात है ये तो, ठीक है जी। ओवर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं इसमें, ये सेक्शन भी हैगा, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। ये सेक्शन भी हैगा हमारे पास, ये सेक्शन भी हैगा, ये भी हैगा, और नीचे वाला भी है, ठीक है जी। टेस्टिमोनियल भी आ रहे हैं इसमें, सही है, ठीक है जी। आखिरी वाला सेक्शन हमारे पास ब्लॉग का है, ये तो जितने आपके ब्लॉग होंगे उतने वो शो करा देगा। इसके बाद जो ब्लॉग पड़े हुए थे पहले उसने शो करा दिए, अच्छा जी। और फुटर के अंदर हमारे पास ये बॉटम वाला जो है ये नहीं आया, आर्ट्स का विजेट है ये, बाकी सारे आ चुके हैं, ठीक है। यानी कि वो कोई वो है आपका नोटिफिकेशन बार है शायद सेटिंग वेटिंग से आगे सेट करना पड़ेगा, वैसे तो ओके है, ऑल ओके है, ठीक है सही। अब हम मेन्यू पे आते हैं, मेन्यू देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको सेट करने की, ठीक है जी। मैं हेडर पे आया और हेडर पे आके, अच्छा हेडर पे सीन यही है कि अगर आपने पेजेस पहले, तो मैं यहाँ मेन्यू की आईडी चेक करूँ कि मेन्यू कौन सा कॉल हो रहा है यहाँ पे, फिर उस मेन्यू में के अंदर जाके हम चेंजेस करेंगे, ठीक है जी। जो कि यहाँ से होगा आपका, इस मेन्यू में आके मेन्यू का नाम देखेंगे, हेल्पफुल लिंक्स हो रहा है, हमने कहा भाई मेन मेन्यू वाला कर दो, ठीक है जी। और इसको अपडेट किया मैंने, सही। और अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये फुल विड्थ वाला ही है, तो हमारे पास फुल विड्थ के हिसाब से ही आ रहा है कंटेनर हमारा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या चेंजेस है जो मेन्यू में करनी है हमें, भाई मेन्यू के पेजेस के ऊपर है, जो आपने पेजेस सारे बनाए हुए होंगे तो आप इसमें इंटीग्रेट कर दोगे। मैंने इसमें अभी जो पेजेस बने हुए हैं फालतू वो डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। ब्लॉक पेज पहले का डाला हुआ होगा इसमें, हाँ, तो ब्लॉग ये भी सारा पुराना डाटा पड़ा हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। कार्ट पेज, चेकआउट, ये सारे फजूल पेजेस को डिलीट करके अपने पेजेस हम इंपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है जी। ट्रैवल इंजन शायद थीम पड़ी हुई थी, उसकी वजह से चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी है, तो ये हम डिलीट कर देते हैं भाई। और सही, बुकिंग के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास, बुकिंग भी फ़ायदा नहीं है कोई, ये भी फ़ायदा नहीं है, तो बुकिंग भी हटा देते हैं यहाँ से हम, ठीक है जी। ये भी हमने हटाया, ये भी हटाया, ये सारे डिलीट कर देते हैं जो लग रहे थे मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और पेज क्रिएट करूँगा अबाउट का, ठीक है जी। तो अबाउट का टेम्पलेट इम्पोर्ट करूँगा, होम हमारे पास सेट हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप वो पेज सेट करते जाएंगे बाद में जो कि आपके पेजेस बनते जा रहे हैं, इसे मैंने लिखा अबाउट अस, अबाउट अस लिखा, ठीक है। पब्लिश किया पेज को और चेक करेंगे इस पेजेस के अंदर अबाउट अस का पेज है हमारे पास, अबाउट अस, अबाउट अस, इसमें अबाउट का पेज तो नहीं है, तो अवर स्टोरी का अबाउट अस बना देंगे हम, ठीक है जी। तो अवर स्टोरी को अबाउट अस बना दिया हमने, अवर स्टोरी लिखा और यहाँ से स्लग चेंज कर दिया, और ये मैंने अब अपडेट किया, ठीक है जी। पेज को रिफ एडिट करता हूँ एलिमेंटर से, ताकि हम वो टेम्पलेट इम्पोर्ट कर सकें, तो पेज हमारा एडिट हो रहा है जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे आता हूँ टेम्पलेट किट्स के ऑप्शन पे, व्यू टेम्पलेट किट पे आता हूँ, जो ग्रीन आइकन है उस पर क्लिक करना है हमें, और अवर स्टोरी वाला ब्लॉग जो है वो हम इसमें इम्पोर्ट करेंगे, यानी कि पेज ले बोल सकते हैं आप उसको, ठीक
ठीक है जी, अवर स्टोरी अबाउट का ब्लॉक हार है इसके अंदर, ये रहा अवर स्टोरी। ठीक है जी, इसको इंपोर्ट करता हूँ मैं। इंपोर्ट करने के बाद पेज को एडिट किया, इसको फुल विड्थ किया, पेज टाइटल हाइट किया और इसको फिर अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे अपडेट करा, एक और पेज ऐड हो जाएगा। मैं व्यू ऑल में आऊँगा तो ये देखें, अवर स्टोरी के नाम से रिसेंटली मैं ऐड हो गया। मैंने यहाँ पे ये सेट किया, टॉप पे मैंने होम सेट किया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, किसको, इसको जो मैंने पेज ऐड किए हैं। ठीक है जी, वैसे व्यू आ गया जैसे हमारे पास आ रहा था टेम्पलेट में। तो अब इसको मैं अवर स्टोरी पे जाता हूँ और यहाँ पे भी अवर स्टोरी में जाऊँगा। ठीक है जी, दिख गया हो आपको, ये बार हटाएंगे, ये वाली बार हटाएंगे तो प्रॉपर लेआउट हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा लेआउट आ गया है जो कि हमने इंपोर्ट किया है भाई अवर स्टोरी का। अब मैं चाह रहा हूँ इसी तरह यहाँ पे ये अबाउट का ब्लॉग भी देखते हैं। अबाउट का ब्लॉग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, अबाउट लिखते हैं, तो अबाउट ब्लॉक। ठीक है जी, इंसर्ट मारा, इसको इंसर्ट टेम्पलेट किया। इंसर्ट टेम्पलेट करने के बाद ये पेज पे भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ें। ये देखिए, ये पूरा ब्लॉक आ गया, यानी अबाउट का ब्लॉक है। हम गए, हमने लेफ्ट क्लिक में क्या करा, नेविगेटर पे आए, जो आखिरी वाला ब्लॉक था वो हम ले गए सबसे टॉप पे भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक ब्लॉक नीचे कर देंगे ताकि ये भी लगे अबाउट का ब्लॉक है, और इसको हमने अपडेट कर दिया तो ये थोड़ा पेज बेहतर लग रहा है। ठीक है, पेज को एडिट करना, कंटेंट चेंज करना, ये सब मैं इन वीडियोस में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको टेम्पलेट इंपोर्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने दूसरे पेजेस पे। अबाउट हो गया, अब कॉन्टेक्ट पे आते हैं हम। कॉन्टेक्ट का पेज, माई अकाउंट के सारे फालतू पेजेस डिलीट कर दें, जो दिखते आ रहे हैं वो हम डिलीट कर रहे हैं भाई। सही है जी, ये कॉन्टेक्ट पहले सर्च करते हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नहीं भी करे तो इशू नहीं है, पेजेस बहुत सारे हैं, कितने पेजेस डिलीट करेंगे। तो मैंने पेज क्रिएट किया, कॉन्टेक्ट के नाम से कोई पेज नहीं है। ठीक है जी, कॉन्टेक्ट लिखा मैंने, पेज को पब्लिश किया। पेज को पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, सारा सारे पेजेस का एक ही प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको बेसिक सी वेबसाइट मिल जाती है, हेडर में आप हेडर टेम्पलेट एडिट करोगे, फुटर में आप फुटर टेम्पलेट एडिट करोगे। ठीक है जी, और इसको मैं एडिट करता हूँ पेज को। अब यहाँ पे हमने हेडर एडिट किया था, ठीक है, चूज अ डिस्क्रिप्शन, फेव आइकन सब लगा सकते हैं यहाँ से आप इसको। मैंने और बटन को अगर चेंज करना है यहाँ से, तो बटन की सेटिंग भी यहाँ से नहीं आएंगी, दूसरी जगह से एडिट करना पड़ेगा, यहाँ से एडिटेबल नहीं हो रहा बटन। ठीक है, पेज एडिट हो रहा है भाई। अच्छा, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, कॉन्टेक्ट ब्लॉक आ रहा है, कॉन्टेक्ट के नाम से आ रहा है, तो ये कॉन्टेक्ट का पेज इम्पोर्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पेजेस में मैं आया और मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे गया। ठीक है जी, ये वाला टेम्पलेट हमने इम्पोर्ट किया है, वही सेम ऑप्शन, ये सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, पेज टाइटल को हाइड करेंगे, एलिमेंटर का टेम्पलेट फुल वेट रख देंगे और ये सेव कर देंगे। अब ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हो गया अपडेट। अभी आप पेज मैच कर लें इसमें, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है पेज फॉर्म वॉर्म सब आ गया है। इसमें एक और आ रहा था, फॉर्म का ब्लॉक आ रहा था, वो देखते हैं वो डिफरेंट है या सेम ही है।
हाँ सही है, सेम फॉर्म के अलग अलग ब्लॉक्स आ रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग का है, जॉब बुकिंग का है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ब्लॉक है, ऑलरेडी वहाँ पर हैगा, ठीक है, तो उसकी नीड नहीं है हमें। एडिट फॉर्म के अंदर आपको एलिमेंटर में फील्ड्स ऐड करनी है, तो यहाँ से होंगी, ठीक है, ये सारी फील्ड्स अलाउ हैं। और एडिट फील्ड ऐड आइटम करना है, फील्ड ऐड हो जाएगी, यहाँ से डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट हो जाएगी, स्मॉल साइज किसी का छोटा बड़ा करना है वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। लेबल्स शो कराने हैं, लेबल्स शो हो जाएंगे। बटन्स, ईमेल के अंदर आपको ईमेल ऐड करनी है, तो यहाँ मेरी ईमेल ऐड हो गई, मल्टीपल ईमेल ऐड करनी है तो कॉमा लगा कर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इसे यहीं पर ऐड होगी, ठीक है। जो ईमेल आपने यहाँ ऐड करी होगी वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ रही होगी, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अगर ईमेल फील्ड पे रिप्लाई कराना है तो वो ईमेल फील्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पर आपने दी होगी, सही है जी। और फिर इसको अपडेट कर देंगे हम यहाँ से, फिर पेज को व्यू करेंगे। एडिट से उतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे, जो एलिमेंट पे काम करना है इसको एडिट करें। स्टाइलिंग आपकी यहाँ से ऑप्शंस आते हैं सारे, स्टाइलिंग के, फॉन्ट फैमिली के, और टाइपोग्राफी के, पोजीशंस में सारे चेंज करना, मार्जिन पैडिंग देना, ठीक है। ये रही मार्जिन पैडिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आ गए, मोशन इफेक्ट्स हो गए, बॉर्डर हो गए, रिस्पॉन्सिव में किसको हाइड कराना है, किसको शो कराना है, कस्टम चीज़ें देनी है तो स्पेसिफिक यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड इमेज शो करानी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है कोई चीज़, वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग कोई चीज़ ऐड करनी है, से लिखा आपने हेडिंग, यहीं पे ऐड करा लिया हेडिंग आपने, ठीक है। इस तरीके से इसको कॉपी करके और इसी को पेस्ट करना है, ये देखिए यहीं पे पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट भी इसमें हो जाता है। कोई स्टाइलिंग कॉपी करनी है आपको, के कॉपी स्टाइल, ठीक है, इसमें मैंने बैक किया, इसको डिलीट किया, कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट स्टाइल, स्टाइल है इसमें पेस्ट हो जाएगा जो भी स्टाइलिंग होगी इसकी, ठीक है। और यहाँ डमी कंटेंट डाला हुआ है, यहाँ से चेंज होगा, आप यहाँ से एचटीएमएल करनी है, यहाँ कर लें जो आपको सही लगे। शो कैप, यानी कि इसमें जो पहला आइकन होता है वो कैप में आ जाता है, यानी कि वो जो कैपिटल में दिखाते हैं, उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दो कॉलम में दिखाना है इसको, दो कॉलम में दिखा दें आपको। और कलर इसमें इस तरह चेंज हो जाएंगे, टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज यहाँ से आप बढ़ा लो, छोटा बड़ा कर लो जो आपको सही लगे, फॉन्ट वेट आपको बढ़ाना है, यहाँ से लाइन हेड बढ़ानी है टेक्स्ट की, ठीक है, स्पेसिंग बढ़ानी है, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, सही है जी। ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट का पेज, अब मैं आता हूँ, अबाउट अस हो गया, होम हो गया, और कॉन्टैक्ट हो गया। अब इसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट पेज है भाई, कैरियर से पेज बना सकते हैं हम, स्पेशल ऑफर्स पे आ गए, स्पेशल ऑफर्स भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आया स्पेशल ऑफर्स पे, स्पेशल पेजेस पे आया, सॉरी ऐड नहीं वगैरह पेज को, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्पेशल ऑफर्स, आपकी मर्जी है पेज का नाम कोई भी दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब स्पेशल ऑफर दे दिया आपने, एडिट किया, रिफ्रेश करा मैंने पेज को भी, ठीक है, पेज को एडिट करता हूँ मैं, पेज को एडिट करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह भी पेज टाइटल पहले ही हाइड करा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, फुल विड्थ सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से टेम्पलेट पे गए ताकि वो फुल विड्थ हो जाए, ठीक है जी। टेम्पलेट पे गए, यहाँ पे आए, स्पेशल ऑफर लिखा आपने, स्पेशल ऑफर का पेज आ गया, यानी टेम्पलेट बोल रहे हैं इसको आप, तो इसको मैंने इम्पोर्ट करा, सर्विसेज का ही बना देंगे एक पेज, और आपका सही है जी, ये हो गया हमारे पास। इसको मैंने रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं हम, जो आई बनी है उस पर क्लिक कर दें, पेज प्रीव्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म का हमारे पास टेम्पलेट पूरा इम्पोर्ट हो गया है। अब हम आते हैं सर्विसेज की तरफ, एक और पेज बनाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव मोड में भी देख सकते हैं इसको आप, इस तरह रिस्पॉन्सिव मोड में आपको ये चेक करना हो अगर, तो ठीक है कि भाई रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह हेडर में भी एडिटिंग कर सकते हैं, फुटर में भी रिस्पॉन्सिव है, हेडर फुटर भी आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से भी एडिट हो सकता है,
और एडमिन में भी जाके आप टेम्पलेट्स में यहाँ से जा सकते हैं थीम बिल्डर में। ठीक है, जब मैं कौन सा कर रहा था अभी, सर्विसेज का पेज कर रहा था, पब्लिश करता हूँ उसको, और पब्लिश करने के बाद इसको एडिट किया। पेज को एडिट किया, जल्दी से यहाँ पे आया, सारे पेजेस दोस्तों ऐसे इंपोर्ट होंगे। ठीक है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ब्लॉग्स इंपोर्ट करने हैं, ब्लॉग्स कर लेंगे, सारे पेजेस आ रहे हैं अपने सबके। ठीक है, और ये मैं अभी पेज लोड हो रहा है यहाँ पे, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा, अगर ये JGX के अगर हैंग हो जाए तो आप अंदर रिफ्रेश कर दो। अच्छा भाई, ये हो गया, यहाँ पे पेज टाइटल हमने हाइड किया, यहाँ इसका फुल विड्थ सेलेक्ट किया, जल्दी से गए यहाँ से, हमने इंक्लूड इंस्टॉल किट पे क्लिक किया, कंट्रोल एफ करा, सर्विसेज पे आए, सर्विसेज फेशियल पॉपअप, सर्विसेज मेकअप, सर्विसेज पला, सर्विसेज पला, ये आ गया सर्विसेज का पेज। ठीक है जी, इसको मैंने इम्पोर्ट किया, सर्विसेज पे आ गया मैं, इसको बंद करते हैं, ये देखिए भाई, अपडेट करते हैं यहाँ से, ये सारी सर्विसेज आ गई हैं पेज में, देखता हूँ सर्विसेज का ऐसे ही आ रहा है। जी भाई, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है सर्विसेज का पेज हमारे पास। इसको मैंने बंद किया, इसको प्रीव्यू किया, ये देखिए बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आ रहा है। तो हमारा इस तरह ये सर्विसेज का पेज भी बन गया, मेन्यूज़ में आए, हमने जो पेजेस बनाए उसको मेन्यू में ऐड कर लेते हैं, कस्टम लिंक हटा देंगे हम, हमने ये मेन्यू में से हटा दिया भाई, पैकेजेस हटा दिए। ठीक है जी, ये हमने तीन पेजेस ऐड कर लिए, प्रोसेस भी हटा दिया, FAQ भी हटा दिया। ठीक है जी, सही है, ये आ गया, कस्टम लिंक ये हटा दिया हमने, और इसको अपडेट किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बेहतरीन हो गया दोस्तों। अब इस हिसाब से अपने जो आपको पेजेस में नीड है सैम्पल में से यानी डेमो में से, वो आप देख सकते हैं कौन कौन से, फिर उसको वहाँ इंपोर्ट कर लें उन जगहों पे। सही है, उन पेज को एडिट करके यानी पेज क्रिएट करके आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं थीम बिल्डर में आता हूँ, सेव टेम्पलेट पॉपअप्स, जो जो जहाँ जिस पार्ट के लेने पॉपअप में करना है तो पॉपअप में जाके इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट करके जो जिस जगह के लिए है उसको वहीं जगह इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, मैंने ब्लॉक्स इंपोर्ट किया था ना, अब ये ब्लॉक्स इंपोर्ट हो गया, इसका शॉर्ट कोड या कहीं इसको कहीं भी आप कॉल करा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने इंपोर्ट किए हैं ब्लॉक सारे, ये वो है, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कराया तो सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। ठीक है, शब शुरू में मैंने कराए थे, अब फुटर में आ गए, फुटर में, ठीक है जी, फुटर ये वाला आ रहा है हमारे पास, और हेडर, हेडर अब सही हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है जी, हेडर हमारे पास सही हो गया, बेहतरीन, इसको एडिट करते हैं, हेडर हमारे पास ये वाला था, ठीक है जी, ये हो गया, टेम्पलेट्स पे आए, इसको हेडर को देखते हैं अब, यहाँ वाले ये सही हेडर है जो हमने सेलेक्ट करा, पहले पंगा आ रहा था, यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लें, टेक्स्ट जो लिखना है लिख लें। ठीक है, कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, यहाँ से कर दें भाई। ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है इसका। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस देना है, मैंने दे दिया यहाँ से 30, बॉर्डर यहाँ पे नन कर दिया। ठीक है, पैडिंग मैंने 10 दे दी, एक बात कर रहा हूँ, सही है, बता रहा हूँ ये चीज़ें कैसे सेट होंगी जो लोग पहली बार देख रहे हैं या देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें सही है जी, सेंटर कर दिया इसको, टाइपोग्राफी में आएंगे तो फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज हो जाएगी, 16 कर दिया इसको, फॉन्ट वेट बढ़ा दिया हमने। ठीक है जी, कैपिटलाइज कर दिया इसको, स्टाइल इटैलिक कर दिया,
डेकोरेशन, ओवरलाइन जो आपको सही लगे इसमें, अंडरलाइन, लाइन हाइट, बिटवीन द जो टेक्स्ट की बिटवीन जो स्पेसिंग होती है, यानी कि तो वो उसको सेट करने के लिए लेटर स्पेसिंग। ठीक है, आइडिया आपको हो गया होगा कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहे हैं। ठीक है जी, और बस आई थिंक इतना काफ़ी है आज के इस ट्यूटोरियल में। बाकी और मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, टेम्पलेट किट के हवाले से। बाकी फुटर में आते हैं, तो फुटर को एडिट करना। ठीक है जी, फुटर को एडिट करके एडिट हो गया फुटर हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, हेडिंग चेंज करनी है, कर सकते हैं। इस पर कोई लिंक लगाना है, यहाँ से लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, तो ये लिंक यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पेज का लिंक लग जाएगा। टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं आप। कोई एलिमेंट भी लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने लिखा आइकन लिस्ट, लिखा है उसके ऊपर कॉल कराया मैंने। ठीक है, और इसको डिलीट कर दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और टेक्स्ट जो था मैंने इसका वाइट कर दिया। ठीक है, आइकन का भी मैंने वाइट कर दिया, ब्लू कर दिया। चलो दिखे जाता है, दिख जाए आइडिया देने के लिए आप लोगों को। सही है जी, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट है। इस फॉर्म के अंदर ईमेल जो सेट सेट करनी है अपने हिसाब से कर दें, लार्ज करना है इसको जैसे पहले मैंने बताया था। ईमेल की फील्ड लेनी है, कोई और फील्ड ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हैं इसी तरह करके। ठीक है जी, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि चीज़ आपको क्लियर हो जाए, कोई टाइम थीम आके, ताकि इजीली वेबसाइट इस तरह की आप लोग बना सकें। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और इसका टेम्पलेट का लिंक अगर किसी को चाहिए तो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, तो वो उसको सेंड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।